हेलो गाइस, आज हम लेक्चर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 4 का जो टॉपिक्स है उसमें आपका स्मेल या ओडर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 3rd लेक्चर में हमने टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, और ये हम सेंसरी इवेल्यूशन टेक्निक इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स के उनकी फिजियोलॉजी क्या होती है, मीन्स साइंस ऑफ परसेप्शन स्मेल का कैसे होता है, और ओडर या स्मेल सिस्टम का मतलब ये है कि हम नोज़ की एनाटॉमी के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये डाउट सॉल्विंग और नोटिफिकेशन के लिए है, तो आप इस चैनल को भी आप इस लिंक के द्वारा या QR कोड के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्मेल या ओडर सिस्टम, ओडर या स्मेल के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमको कोई भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का स्मेल कैसे फील होता है। जब किसी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट हो या कोई फ्लावर है सपोज हमको, या कोई भी किसी भी तरह का XYZ, किसी भी तरह की ओडर या स्मेल या फ्रेग्रेंस अगर हम उसको परसीव करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर कोई ना कोई वॉलेटाइल कंपाउंड होता है, वॉलेटाइल मैटर्स जो होते हैं। तो यहाँ अगर हम फूड की बात करें तो इसमें वॉलेटाइल एरोमास होते हैं जो कि हमारे नाक के द्वारा, एयर मीडियम के द्वारा हमारे अंदर आते हैं और हम उसको स्मेल को फील कर पाते हैं। सो नोज डिटेक्ट स्पेसिफिक ओडर रिलीज फ्रॉम फूड। ओडर एंड टेस्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के होता है फ्लेवर। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप फर्स्ट लेक्चर की स्लाइड में भी देख सकते हैं, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक, सेंसरी इवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में और क्वालिटी इवैल्यूएशन के बारे में। सो ड्यू टू दिस मैकेनिज्म पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, अगर मान लीजिए कोई ऐसे पर्सन है या पैनल मेंबर का क्राइटेरिया वो हम कमिंग स्लाइड्स में या कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अगर कोई कंज्यूमर है जो कफ कोल्ड, अगर उसको कोल्ड की प्रॉब्लम है या ब्लॉक नोस्ट्रिल है, तो उसके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है फ्लेवर को फील करना क्योंकि वो स्मेल नहीं कर पाता है। सो यूजली ओडर आर डिस्क्राइब्ड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओडर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एरोमेटिक्स है, पंजेंट ओडर है, स्पाइसी ओडर है, वुडी, फ्लोवर एक्सेट्रा। आप जैसे क्रीमी ओडर है, आप मान लीजिए ऑइंटमेंट लगाते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं तो उसके जो क्रीमी ओडर हमको स्मेल हमको पता चलती है। फिर कुछ हम किसी तरह की परफ्यूम लगाते हैं तो, या सेंट लगाते हैं तो उसकी अलग फ्रेग्रेंस होती है। या हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं, अगर वो स्पाइसी फूड है तो उसमें स्पाइसी ओडर आएगा। अगर सपोज हमने दाल चावल खाया तो चावल का एक अलग एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से उसका एक अलग ही उसका वॉलेटाइल मैटर होते हैं जिसकी वजह से वो एरोमेटिक ओडर होता है। तो ये आपके अलग अलग टाइप के ओडर्स होते हैं। अब ओडर और स्मेल रिसेप्टर एनाटॉमी, मीन्स यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या होगा ओडर और स्मेल की, वो है नोज़, उसकी एनाटॉमी देखते हैं, मीन्स उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि वो क्या है। इसमें बेसिकली सबसे पहले ये डायग्राम को हम देखेंगे। ये डायग्राम में आपका दिख रहा है ये नोज़ है। नोज़ में आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री बल्ब ये जो हिस्सा है ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ये इसका पूरा डिस्क्राइब फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ से मान लीजिए एयर के द्वारा आपके जो भी ओडरस सब्सटेंस, उनका जो एयर के द्वारा हमारे ये नोज के अंदर एंटर करती है। यहाँ पे नोज में आप देखिए छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर लाइक टेक्सचर, उसको हम बोलते हैं सीलिया, सीलिया एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा इस पूरे पोर्शन को म्यूकोसा बोलेंगे जिसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको बोलते हैं सीलिया। और उसी के साथ में आपके ये ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम, एपिथेलियम मतलब कि लेयर्स या टिश्यूज होते हैं, और ये सीधे जो है आपका कहाँ पे जाते हैं, ये ऑल्फैक्ट्री बल्ब के साथ में कनेक्ट होते हैं। ऑल्फैक्ट्री बल्ब के अंदर हमारे नर्व्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री नर्व्स, और ये ऑल्फैक्ट्री नर्व्स जो है वो सीधे नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमको जो भी हम स्मेल सेंस करते हैं, किसी भी तरह की जो स्मेल हम सेंस करते हैं, तो वो हमारा उसका इम्पल्स कहाँ मिलता है, ब्रेन में मिलता है, और ब्रेन के द्वारा ही फिर हम उसको, ब्रेन में हमारे एक्चुअली डिफरेंट सेंटर्स होते हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन को उनके परसीव करने के लिए, जैसे कि साइट या आँखों, आँखों के लिए, कलर के लिए हमारा एक अलग सेंटर होता है, स्मेल के लिए अलग सेंटर होता है, टेस्ट के लिए अलग सेंटर होता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन में स्मेल के लिए सेंटर होता है, तो वहाँ पे हम इसको सेंस कर पाते हैं और ये ब्रेन में ये मैसेज जाता है। तो ये नर्व बंडल टू ऑल्फैक्ट्री सेंटर्स, तो ये आपका ये सीधे ब्रेन में जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक फंक्शनिंग या इसका ये स्ट्रक्चर है पहले एनाटॉमी। सो
ऑल्फैक्ट्री नर्व्स इज स्पेशल ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, वो है ऑल्फैक्ट्री नर्व्स। सो ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स लोकेटेड मेनली इन द अपर मोस्ट रीजन और रूफ ऑफ द नसल कैविटी। हमारे नाक का वो हिस्सा जो आँखों के बीच का हिस्सा होता है, वो क्यू शेप होता है, वहीं पे आपका बेसिकली ये पार्ट होता है। आगे हम कमिंग स्लाइड में देखते हैं इसको। तो अपर मोस्ट रीजन और रूफ ऑफ द नसल कैविटी एंड आर लाइंड विथ ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम। ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम जो है ये आपका जहाँ पे सीलिया या म्यूकोसा होता है उससे जुड़ा हुआ नाक में, और ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे टूवर्ड्स आईज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपका ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम्स होते हैं। सो द सर्फेस ऑफ ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियम इज कोटेड विथ लेयर ऑफ म्यूकस, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। सो सराउंडेड इन म्यूकस लेयर इज अ मैट ऑफ फाइन हेयर लाइक अपेंडेजेस ऑफ ऑल्फैक्ट्री सेल्स कॉल्ड सीलिया। ये हम डायग्राम को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अभी। अब है साइंस ऑफ स्मेल और ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन इस प्रोसेस को, इस स्मेलिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्फैक्शन, जो हम ऑल्फैक्ट्री नर्व से ये वर्ड आया ऑल्फैक्शन। तो ओडर मॉलिक्यूल्स बेसिकली जो भी हम ओडर स्मेल या फ्रेग्रेंस जो हम फील करते हैं वो मॉलिकुलर वेट के, ओडरस सब्सटेंस के मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है। और ये जो ओडर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एयर के द्वारा फूड जो ये रिसेप्टर हमारे नोज तक पहुंचते हैं, ठीक। सो सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स ट्रेवल अप टू ऑल्फैक्ट्री बल्ब। ऑल्फैक्ट्री बल्ब कहाँ पे होता है, क्यू टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आईज के बीच में होता है, आईज के पास में। सो अबाउट देयर सम सिग्नल गो टू द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स एंड ऑन टू द हायर ऑर्डर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो कुछ इसका आपका ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स में वहीं पे ही हमको कुछ स्मेल फील होती है और कुछ हमारा सीधे ब्रेन तक जाता है। सो फ्यू सिग्नल फ्रॉम द ऑल्फैक्ट्री बल्ब डायरेक्टली गो टू द एमिग्डाला। एमिग्डाला ये आपका ब्रेन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे हम सेंस करते हैं, इमोशंस देते हैं स्मेल को लेके। और हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा होता है, वो सेंटर होता है ब्रेन में जहाँ हम स्मेल से रिलेटेड हमको मेमोरी मिलती है। जैसे हम बचपन से देखते हैं कि हमारा जो रोज़ है, रोज़ का ये फ्रेग्रेंस होती है, या उस परफ्यूम की ये फ्रेग्रेंस होती है, या फिर राइस की ये फ्रेग्रेंस होती है। ये मेमोरी जो होती है वो स्मेल से रिलेटेड मेमोरी जो है वो आपका हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। और इमोशन मतलब जो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं उस स्मेल को लेके, उस ओडर को लेके, तो वो हमारा एमिग्डाला में स्टोर होता है। तो हेंस वी समटाइम्स एसोसिएट फ्यू स्मेल इन आवर मेमोरी विद स्पेसिफिक इमोशन। अब अभी हम क्योंकि इसकी साइंस पढ़ रहे हैं, इसका परसेप्शन ये कैसे लेते हैं वो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप इसमें देखें ये जो सीलिया है, सीलिया आर एक्साइटेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ओडरस सब्सटेंस। सीलिया जो आपका हेयर लाइक सब्सटेंस होता है सबसे पहले ये एक्साइट होगा, उसके बाद ये फिर कहाँ पे जाएगा, ये ओडर सब्सटेंस, देयरफॉर स्निप्ड रादर स्लोली बट स्ट्रांगली, और ये फिर वहाँ पे एपिथेलियल जो आपका टिश्यूज होते हैं वहाँ जाएंगे, ये एपिथेलियल टिश्यूज तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ये सीधे आपका ब्रेन में मैसेज जाएगा ऑल्फैक्ट्री नर्व्स के द्वारा। सो देयरफॉर ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट द जज और इवेल्यूएटर एक्चुअली इज सेंसिंग द ओडर एंड टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट सेम टाइम। तो एक साथ वो टेस्ट भी करते हैं और ओडर भी करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, फ्लेवर की। मीन्स अगर हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद इमिडिएटली टेस्ट भी आएगा और ओडर भी होगा। यहाँ जो ओडर होता है वो आपका रूट ऑफ द टंग के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, मीन्स जहाँ पे जंक्शन पॉइंट होता है आपका नोज और माउथ के पीछे वाला हिस्सा, अंदर साइड में एसोफेगस में, वो हिस्से में हम उसको स्मेल को फील करते हैं। सो द ओवरऑल फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ओडर परसेप्शन, ये उसका डायग्राम दिया गया है। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि ओडरस मटेरियल है, ये ओडरस मटेरियल एयर के द्वारा सीलिया के साथ में ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स तक पहुँचते हैं, और यहाँ पे ही आपका ऑल्फैक्ट्री एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो आगे आपके नोज के अंदर होते हैं। यहाँ पे आपका क्यू शेप आईज के पास में ऑल्फैक्ट्री बल्ब होता है। तो ये ऑल्फैक्ट्री नर्व्स एपिथेलियल टिश्यूज के बीच में भी लोकेट होते हैं, और यहाँ से ये ऑल्फैक्ट्री बल्ब के द्वारा ये कहाँ पे जाता है, ब्रेन में सिग्नल जाता है ऑल्फैक्ट्री एरिया में। तो ब्रेन में ऑल्फैक्ट्री एरिया जो होता है वो पॉइंट होता है ब्रेन का, वो हिस्सा
जहाँ पे आप स्मेल को सेंस कर पाते हैं और वो मैसेज दोबारा से फिर हमारे नोज तक भेजते हैं। सो द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट, अब अगर प्रॉपरली किसी भी स्मेल को परसीव करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट? फर्स्ट है आपका जो ओडर सब्सटेंस है वो, एक तो केमिकल या ओडर सब्सटेंस जो होता है वो केमिकल्स होते हैं और वो वॉलेटाइल नेचर के होने चाहिए। आपने देखा है कभी, आप अगर केमिस्ट्री की लैब में गए होंगे तो आपने देखे होंगे वहाँ सॉल्वेंट, उनकी बहुत ज़्यादा तेज स्मेल होती है क्योंकि वो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। सो द वॉलेटिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड ऑन द मॉलिकुलर वेट एंड मॉलिकुलर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। मॉलिकुलर वेट के साथ साथ मॉलिकुलर बॉन्डिंग प्रॉपर्टी पे भी वो डिपेंड करता है उसकी स्मेलेबिलिटी। तो अपर लिमिट ऑफ स्मेलेबिलिटी इज, मॉलिकुलर वेट इज अबाउट 300, और कंपाउंड मॉलिकुलर वेट जैसे कि 394, ये बहुत हैवी मॉलिकुलर वेट होगा तो इसका जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा। सो दिस मीन्स दैट सब्सटेंस विथ हैवियर मॉलिकुलर वेट सच एज प्रोटीन, फैट, स्टार्च, ये सब के मॉलिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो ये हमको एयर में ये हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस ये घुल जाते हैं और फिर हम इसको बहुत जल्दी स्मेल कर पाते हैं। आप देखिए किचन में अगर खाना बन रहा होता है और आप कोई तीसरे कमरे में भी बैठे हैं तो आपको वहाँ पे खाना क्या पक रहा है उसकी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन, फैट, स्टार्च, शुगर, ये सारे हैवी मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस होते हैं। मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होने की वजह से हमको एयर के साथ में ये बहुत जल्दी इसकी स्मेल हम कर पाते हैं। सो जब ये हैवी मॉलिकुलर वेट पार्टिकल्स जो होते हैं, जब ये टूटते हैं, ब्रेक होते हैं स्मॉलर कंपाउंड में, लो मॉलिकुलर वेट में, तो इससे हमको जो है उसका फ्लेवर या उसका जो ओडर वो हमको पता चलता है। सो वॉलेटिलिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस जब इसको हम हीट देते हैं तो ये लो मॉलिकुलर वेट में भी कन्वर्ट होंगे ड्यू टू टेम्परेचर, और इससे फिर हमको उसकी स्मेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। सो ओडर लेडन एयर मस्ट रीच द ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर। अब यहाँ पे ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स मीन्स जो भी पैनल है या जो कंज्यूमर है या जो भी पर्सन है उसके ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर तक जो भी ये स्मेल पहुंच रही है वो ओडर लेडन एयर, मतलब एयर के साथ साथ वो ओडर साथ में आना चाहिए। अब अगर मान लीजिए हमारी नाक बंद है तो हमको स्मेल ही नहीं आएगी। आपने पीछे देखा होगा कभी कोरोना में किसी ने टेस्ट और स्मेल ये दोनों ही खो दिए थे, भले वो टेम्पररी था बट वो खो दिए थे। इसका मतलब क्या है? वो जो सेंस ऑर्गन है वहाँ की ऑल्फैक्ट्री नर्व्स उस समय वो एक तरह से डेड हो गए थे, वो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे थे, तो ये उसका कारण था। सो ओडरस सब्सटेंस मस्ट बी एब्जॉर्ब और अदेयर्ड टू द कीमो रिसेप्टर साइट इन द नोज। नोज में आपकी जो ऑल्फैक्ट्री नर्व्स होती है, बेसिकली जो कीमो रिसेप्टर साइट्स क्या होते हैं उसमें ऑल्फैक्ट्री नर्व्स होते हैं, ऑल्फैक्ट्री साइट्स जो होती हैं, टू बी एब्जॉर्ब और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस मस्ट बी सॉलिबल टू सम एक्सटेंट इन द रिसेप्टर सेल्स मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, वाटर, ये लिपिड एंड प्रोटीन जो हैवी मॉलिकुलर वेट है इसलिए ये आपका रिसेप्टर सेल तक जैसे ही पहुंचता है तो इसको ये एब्जॉर्ब करता है ओडर को। सो इवेल्युएटर शुड हैव नॉर्मल स्मेलिंग कैपेसिटी। एक परफेक्ट पैनल मेंबर उसको बोला जाता है जिसकी स्मेलेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब वो बहुत स्ट्रांगली स्मेल कर सके, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है पैनल मेंबर को। कमिंग लेक्चर्स में हम इसमें देखेंगे कि कैसे ट्रेनिंग देंगे पैनल मेंबर्स को, क्या ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं स्मेल को, उसका भी अलग क्राइटेरिया होता है। सो पीपल विथ ऑब्स्ट्रक्टेड नसल पैसेज, ब्रेन लेजन और इंजर्ड ऑल्फैक्ट्री नर्व्स आर अनेबल टू स्मेल आइदर पार्शली और ऑफ हैव अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसे पर्सन जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन को जो बोलते हैं हम बोलते हैं एनोस्मिया। मीन्स जब आपका टेम्पररी या परमानेंटली अगर कोई पर्सन अपना, जिसका नसल पैकेज पैसेज जो है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाए या उसको ब्रेन लेजन है, कंफ्यूजिंग माइंड है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है स्मेल को, तो या उसकी ऑल्फैक्ट्री नर्व्स कहीं पे उसमें इंजुरी हुई है, तो ऐसा जो सिचुएशन होती है इस सिचुएशन को बोलते हैं एनोस्मिया इन सेंसरी लैंग्वेज। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? टू परसीव एन ऑर्डर इन्फॉर्मेशन इज पिक्ड अप एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बाय नर्व्स, जो आपकी ब्रेन में नर्व्स होती हैं ऑल्फैक्ट्री नर्व्स जो ब्रेन तक जाती हैं और ये मैसेज को डिकोड करती हैं ब्रेन में जाके, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं। देन
ओडरस मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट ओवर 20 मिलियन रिसेप्टर्स टू ट्रिगर द ऑल्फैक्ट्री रिएक्शंस। तो ऑल्फैक्ट्री रिएक्शन मीन्स आपका जो भी ओडर है, जो ओडर सब्सटेंस के द्वारा जो स्मेल हमारे ऑल्फैक्ट्री नर्व्स में पहुंचती हैं सीलिया के द्वारा, तो ये 20 मिलियन रिसेप्टर्स को क्या करती है, ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से उसमें इम्पल्स क्रिएट होती है और वो मैसेज ब्रेन तक जाता है। विथ ट्रेनिंग ओडर्स कैन बी रिकॉग्नाइज एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन एंड सेवरल ओडर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। और जब पैनल मेंबर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए, ओडर को या स्मेल को या फ्रेग्रेंस को समझने के लिए, तो बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में भी अगर ओडर होगा या बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन का जो ओडर होगा उसको भी जो जो एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स होते हैं वो इसको समझ पाते हैं, उनको इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है सेंसरी इवोल्यूशन में, एडेप्टेशन। एक आता है एडेप्टेशन, एक आता है आपका थ्रेशोल्ड। जैसे हमने एनोस्मिया देखा था, एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद उसका जो ओडर की परसेप्शन है वो धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। सो परसेप्शन ऑफ कॉन्स्टेंट ओडर डिमिनिशेस विथ इलैप्स ऑफ टाइम इज नोन एज एडेप्टेशन, मतलब हमने अडेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने फ्रेग्रेंस किसी भी तरह का कोई परफ्यूम लगाया, परफ्यूम जब लगाते हैं या किसी आप ऐसे बंदे के कांटेक्ट में आते हैं कि वो परफ्यूम लगाया है, तो आपने इमीडिएटली सबसे पहले एयर के द्वारा वो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके नाक तक जाएंगे, उस समय पे आपको स्ट्रांग फ्रेग्रेंस मिलेगी। बट जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम पीरियड लैप्स होता है तो धीरे धीरे आप देखते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, मीन्स परफ्यूम की स्मेल तो वैसी रहती है बट हमारा जो एडेप्टेशन है वो कम होने लगता है, मीन्स हम उस जो परसेप्शन है वो कम होने लगता है। सो परसेप्शन ऑफ कॉन्स्टेंट ओडर डिमिनिशेस विद इलैप्स ऑफ टाइम, टाइम पीरियड जैसे से बढ़ता है और ये परसेप्शन, ओडर का परसेप्शन या स्मेल या फ्रेग्रेंस का परसेप्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडेप्टेशन। इट रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड। तो एडेप्टेशन अगर कम होगा तो थ्रेशोल्ड बढ़ेगा। सो द रेट ऑफ एडेप्टेशन इज अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी। फटीग फॉर वन ओडर में इवन रेज द थ्रेशोल्ड फॉर अदर। अब थ्रेशोल्ड क्या है, मीन्स वीकेस्ट स्टिमुलस दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन डिटेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको लेक्चर 4 समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में सर्किल में शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच।